अपराध की दुनिया में एक समय ऐसा था जब यूपी में मुख्तार अंसारी और बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन की दहशतगर्दी के आगे जिंदगी सहमी सी नजर आती थी। अपहरण, हत्या और लूट के हैरतअंगेज कारनामे से इनकी तूती बोलती थी। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जनकबार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां। रौबदार मूंछों वाला मुख्तार अंसारी अब अतीत हो चुका है। 28 मार्च की रात 8:25 पर उसकी मौत हो गई। वह यूपी के बांदा जेल में कैद था। जिंदगी के आखिरी दिन भले ही सलाखों के पीछे रहे हूँ, लेकिन यूपी में कभी इसकी तूती बोलती थी। पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। मुख्तार के माफिया डॉन बनने की कहानी 80 के दशक में शुरू हुई, जब छोटे मोटे अपराधी पूर्वांचल में माफिया बनकर उभरे। उन्हें ठेके हासिल करने के लिए गैंग की जरूरत थी और गैंगस्टर की भी। इसी दौर में मुख्तार भी अपराध की पिच पर तेज गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया। मुख्तार एक रसूख जमींदार परिवार से था। एक बार मुख्तार के पिता और दबंग किस्म के ठेकेदार सच्चिदानंद राय आपस में भिड़ गए। मामला गाली गलौज तक पहुंचा। बस यही गाली गलौज मुख्तार की जिंदगानी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मुख्तार के परिवार का आरोप लगाया था कि बांदा जेल में उनको धीमा जहर दिया जा रहा था। मौत के दो दिन पहले ही मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने यह आरोप लगाया था कि उनके भाई को जेल में मारने की साजिश रची जा रही थी। अफजाल ने कहा था कि मुख्तार अंसारी के खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया जा रहा था। कुछ इसी तरह से बिहार के बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन की भी जेल में रहते हुए मौत हो गई थी। उन्हें कोरोना निकल गया था। अपराध की दुनिया में एक समय ऐसा था जब यूपी में मुख्तार अंसारी और बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन की दहशतगर्दी के आगे जिंदगी सहमी सी नजर आती थी। अपहरण, हत्या और लूट के हैरतअंगेज कारनामे से इनकी तूती बोलती थी। ये दोनों एक दूसरे की मदद से अपना झंडा अपने इलाके में बुलंद रखते थे। आजमगढ़ से लेकर गाजीपुर तक मुख्तार अंसारी का साम्राज्य फैला था, तो वहीं गंगा पार की बागडोर शहाबुद्दीन ने संभाल रखी थी। इनकी जरूरतें ही दोनों को आपस में बांध कर रखती थी। ये दोनों ही बाहुबली एक दूसरे की सीमाओं को ना खुद पार करते थे और ना ही किसी तीसरे को इस टेरिटरी में घुसने देते थे। इन दोनों बाहुबलियों को अत्याधुनिक हथियारों में शुमार AK-47 बहुत भाती थी। तभी तो दोनों के ठिकानों से AK-47 बरामद की गई थी। मार्च 2001 में जब सिवान के SP बच्चू सिंह मीना के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने की कोशिश की, उनके लोगों और पुलिस वालों के बीच काफी देर तक गोलीबारी हुई थी। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग मारे गए थे। छापेमारी के दौरान उनके घर से AK-47 समेत हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ था। वहीं यूपी के गाजीपुर की मोहम्मदाबाद से BJP विधायक कृष्णानंद राय की साल 2005 में हुई हत्या में भी AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। इस हत्याकांड को मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के गुर्गों ने ही अंजाम दिया था। दोनों की दोस्ती को नई पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शाहब की शादी में मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भी शामिल हुआ था। इतना ही नहीं, वह दूल्हे उसामा की गाड़ी चलाते हुए भी नजर आए थे। अब्बास अंसारी ने दूल्हे उसामा शाहब की गाड़ी ड्राइव की थी। इस शादी में बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। हालांकि अब दोनों बाहुबलियों का आतंक समाप्ति की कगार पर है। बिहार के टॉन की जहां कोरोना के कारण दिल्ली में मौत हो गई थी, वहीं यूपी में योगी सरकार के बाद से मुख्तार अंसारी की कमर टूट चुकी थी। मुख्तार जेल में बंद था। उसकी करोड़ों की संपत्ति पर बाबा ने बुलडोजर चलवा दिया। उसके गैंग के ज्यादातर सदस्य एनकाउंटर में मारे गए और कुछ जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी काट रहे हैं। इलाके में परिवार का रुतबा भी अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात जनकबार के स्पेशल सेगमेंट कहानियां के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनकबार।